है, क्या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी। ये लाइव तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है, आप देखिए कुछ देर के बाद यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मनीष कश्यप आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, उनके साथ उनकी माँ है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सांसद मनोज तिवारी यहाँ पर मौजूद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख की यहाँ पर मौजूदगी है, और देखिए मनीष कश्यप को आज और सांसद अनिल बलूनी जी हैं, और दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद माननीय मनोज तिवारी जी हैं, और मंच पर आप जिस चर्चित चेहरे को देख रहे हैं वह देश के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अभूतपूर्व ख्याति अर्जित की है, और उस व्यक्ति ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में आस्था प्रकट करते हुए विकास के उस पथ पर चलने का संकल्प लिया है। तो हम चाहते हैं कि माननीय अनिल बलूनी जी और माननीय मनोज तिवारी जी मनीष कश्यप जी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएं। बगल में उनकी माता जी भी हैं। तस्वीर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, देखिए बीजेपी मुख्यालय में मनीष कश्यप मौजूद हैं, वहां आपको मनोज तिवारी नजर आ रहे हैं, देखिए मनीष कश्यप के साथ उनकी मां भी हैं, और अब ये बीजेपी में शामिल हो चुके हैं मनीष कश्यप। जैसा कि हमने आपको बताया था, न्यूज 18 बिहार झारखंड की खबर पर एक बार फिर से मोहर लग गई है। हमने आपको पहले ही बताया था कि आज मनीष कश्यप जो है बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, और अब वो शामिल हो चुके हैं। देखना होगा क्या कुछ बातें अभी करूंगा माननीय अनिल मनोज तिवारी जी से, कि आपको संबोधित करें माननीय मनोज तिवारी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं आज बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। जब हमारे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और मीडिया हेड अनिल बलूनी जी की उपस्थिति में हमारे बिहार के एक विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के इस मीडिया विभाग के सह संयोजक को हेड संजय मयूख जी की उपस्थिति में आज मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और साथ में एक बड़ी सुखद दृश्य है कि मनीष कश्यप जी के साथ उनकी माता जी यहां पे उपस्थित हैं। जैसा हमारे संजय मयूख जी ने कहा, मनीष कश्यप ने जनता के सरोकार को उठाया और हमेशा उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में बातें भी करी, लेकिन इसी देश में कुछ गैर भाजपा सरकारों ने अपने समय में मनीष को बहुत तकलीफें भी दी, और उन तकलीफों का भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उन परिस्थितियों में मनीष कश्यप का साथ दिया। मैं तो उनके गांव तक होके आया जब वो जेल में बंद होते थे, 9 महीने उनको जेल काटना पड़ा क्योंकि लोग उनकी आवाज को बंद करना चाहते थे, और भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक हमेशा से हम लोग ऐसे लोगों के साथ खड़े रहे हैं जो लोग समाज में कुछ बातों को उठाते हैं। और आज आप सबको पता है मनीष कश्यप बीच में अपनी यात्रा में वो बिहार में चुनाव लड़ने का भी निर्णय ले लिए थे, लेकिन आज मुझे बहुत प्रसन्नता है
कि उनकी माताजी के साथ में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, उनके बहुत सारे साथी जो देश के बड़े बड़े योद्धा हैं, मीडिया के क्षेत्र में भी, यूट्यूब के क्षेत्र में भी, सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में भी। तो मेरे लिए खुशी का विषय है कि मेरा छोटा भाई मनीष कश्यप वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, और बाकी हम हमेशा उनका सम्मान करेंगे, उनके योग्यता के अनुसार भविष्य में भारतीय जनता पार्टी उनको पूरा सम्मान देगी, हम अपनी तरफ से उनको वचन देते हैं। मेरा विनम्र निवेदन माननीय मनीष कश्यप जी से है कि आप संबोधित करें। मैं जब जेल में था तो मेरे लिए मेरी मां लड़ रही थी, और मेरे मां का साथ कौन कौन दिया वो मेरी मां को पता था। मेरी मां ने बोला कि मनोज तिवारी भैया का बात नहीं काटना है, और नरेंद्र मोदी जी की मां जो है फैन है पहले से ही, और नरेंद्र मोदी जी का वीडियो मां हमेशा देखते रहती है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मां ने कहा कि मनीष तुमको मैं मोदी जी के हाथों में सौंपती हूं, तुम जाओ उनके साथ देश को मजबूत करो, और राष्ट्र विरोधी जो लोग हैं उनको तुम सामने लाओ, देश के सामने लाओ, और उनको जो है मतलब कि जो भी है, बस मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूं। बगल में मेरी मां बैठी हुई है, और मैं दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी जो है वहां पे हूं मैं। अनिल बलूनी सर हैं यहां पे, मनोज तिवारी भैया हैं, संजय मयूख भैया हैं, बस मेरे पास आज शब्द नहीं है, बस इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी में शामिल हो गए यूट्यूबर मनीष कश्यप, आपने सुना यूट्यूबर मनीष कश्यप को आप सुन भी रहे थे, जिन्होंने बताया कि उनकी मां ऐसा चाहती हैं कि वो पीएम मोदी के नेतृत्व में देश को मजबूती दें, और उनके हाथों में, पीएम मोदी के हाथों में वो मनीष कश्यप को सौंपती हैं, जो उनके शब्द थे जो उन्होंने बताया। इसके साथ ही जब जेल में थे मनीष कश्यप, उस वक्त मनोज तिवारी का साथ उनके परिवार को मिला, उनके तरफ से ये भी कहा गया, जिसका वो धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हुए भी नजर आए। आप बता दें कि मनीष कश्यप जो हैं वो बिहार में एक चर्चित यूट्यूबर हैं, उनके यूट्यूब पे जो वीडियोज़ हैं उन पर काफ़ी व्यूज़ भी आते हैं, और काफ़ी एक बड़ी फैन फॉलोइंग भी उनकी है। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।